अब बड़ा बड़ा कर दिया तो दिखने लगा अब। चलिए जी, एग्जीक्यूट टूल आप लोग अपने एडिटर में भी कर सकते हो, फॉन्ट में जाके, आपके सामने ही मैं किया ऐसे, ठीक है? तो आप अपने एडिटर में भी कर लेना जी। ठीक, चलिए। तो मैं कल क्या कोड लिखा था? INT मेन पैरेंथेसिस, फिर ये लिखा था उसको बाद में लिखेंगे ना, मेरे को याद है वो। ठीक है, और लिख दिया HELLO, ठीक, और लिख दिया सेमी कॉलन, एंटर कर दिया, रिटर्न कर देता हूँ 0, सेव कर देता हूँ। पूछ रहा है नाम बता दो, मैं नाम डाल दूंगा ए, ठीक, और डॉट सी से सेव कर दिया। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, कंपाइल एंड रन एक साथ कर दूंगा। ठीक, चल गया जी। ठीक है, चल गया ना? हाँ, तो यहाँ पे जो ऊपर हम लोग लिखते हैं वो टर्बो वगैरह में जरूरत पड़ता था, ठीक है? अभी इसको ना लिखें तो भी कोई फांसी सुली नहीं हो रहा है, ठीक है? तो लिख ही देता हूं मैं, आप लोग का मर्जी है तो नहीं लिखूं। चलिए जी, हटा देता हूं। तो इतना सबको समझ में आ गया है, हैज इंक्लूड वगैरह का क्या मतलब है, अब क्यों नहीं लिखना पड़ता, इसको हम देख लेंगे, मौका मिलेगा बाद में कभी तो। हाँ, क्या ये यहां यहां हम लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, काहे लिखेंगे, इसको हम लोग 2-4-10 दिन बाद देख लेंगे। हाँ, 2-4-10 दिन के बाद ही देख लेंगे, ठीक, ये देखिए, ठीक है? तो यहां तक हमने कल कर लिया था ऐसा, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम चल गया था। तो आगे कुछ और सीख लें? नहीं सर, हम पकौड़ा तल के रोजगार कर लेंगे। क्यों, कर लोगे ना? चलिए जी, तो ये तो है आउटपुट दिखाना। आउटपुट दिखाया कैसे जाता है आपको समझ में आ गया है, राइट? इतना सारे लोगों ने बना लिया है। अब मैं ये चाहता हूं ना, इनपुट भी मैं दे सकूं, ठीक? तो चलिए जी, इनपुट हम दे लेंगे। कैसे देंगे? यहां पे लिखूंगा INT A, ठीक, ए लिखूंगा, इनपुट मैं दूंगा। कैसे दूंगा? कीबोर्ड के थ्रू दूंगा ना। हम सबसे पहले इनपुट और आउटपुट थोड़ा पढ़ते हैं। आउटपुट हमने मैंने पहले आपको बता दिया ये, ठीक, यहां पे आप कुछ भी लिखोगे डुअल कोट में वो सीधा प्रिंट हो जाएगा। नंबर को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम होगा मैंने क्या करा था, क्या मैं कर रहा हूं, ऐसे मैं किया था, यहां पे 10-10 लिख दिया था और ऐसे करके मैं एग्जीक्यूट और कंपाइल रन कर दिया था और ये मजा नहीं आया था, ठीक है? तो ऐसा ही हमने किया था ना। तो इसको अब क्या करोगे आप, डबल कोट में कर दो ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर कंपाइल रन कर देंगे तो चल जाएगा जी, कोई समस्या तो है नहीं, बड़ा आसान काम है। अब इसको डबल कोट में क्यों करना पड़ रहा है मैं बताता हूं आपको, ठीक? तो हम मान लीजिए कि इनपुट में क्या करूं, जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूं, ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि PRINTF यहां पे आए, इंटर NUMBER, ठीक, इंटर नंबर का ऑप्शन आए, ठीक है, फिर जब मैं नंबर डालूं, ठीक है, इंटर नंबर का ऑप्शन आए और फिर क्या हो, ये देखिए यहां पे सीधा ब्लिंक कर रहा है कर्सर। मैं चाहता हूं कि इंटर नंबर के नीचे अगले लाइन पे नंबर इंटर करने के लिए कर्सर वहां पे ब्लिंक करे, मैं नंबर एंटर करूं और फिर वो नंबर हमें दोबारा दिखाई दे। तो कैसे मैं करूंगा, सिंपल आऊंगा, स्कैन एप, ठीक, डबल कोट %D, ऐसे करूंगा, एड्रेस ए लिखूंगा, ए लिख दूंगा, राइट, और फिर मैं क्या करूंगा, प्रिंट एप यहां पे करूंगा, %D कर दूंगा, क्या मैं फिर से कुछ कर दिया क्या, %D ऐसे किया, कॉमा दिया, ए लगा दिया, ठीक है, सेव करके मैं कंपाइल करके रन कर दिया।
ठीक। अब ये यहां पे कर्सर आ रहा है, मैं वन लग के इंटर किया तो वन यहां पे आ गया। ठीक, नेक्स्ट लाइन पे मुझे ले जाना था कर्सर, तो स्लैश एन दे दूंगा, ठीक है, और फिर यहां से कंपाइल रन करूंगा। 10 डिजिट में एंटर करा, जैसे एंटर किया तो 10 यहां पे आ गया, राइट। इतना तक आपको समझ में आ गया? कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, मुझे मालूम है कुछ नहीं समझ में आया। अब मैंने इतना ज्यादा कुछ लाइनें लिख दिया है, ठीक, इन सब का क्या मतलब है? तो मुझे ये लगता है कि ये वाला लाइन आपको तो आता है, ठीक, ये वाला लाइन आपको नहीं समझ में आया होगा, और ये दोनों लाइन समझ में नहीं आया होगा, और ये दोनों लाइन, ठीक। ये रिटर्न का मतलब क्या है इसको आप अभी रट लीजिए, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक। तो अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं, ठीक है, तो ये तीन लाइनें आपके समझ में नहीं आया होगा जैसा मुझे लगता है, राइट। तो मुझे सही लग रहा है कि ये तीन लाइन आपको नहीं समझ में आया? चलिए जी, तो हम एक एक करके इसको हम समझते हैं, ठीक, क्या है इसका मतलब, क्या इसका मतलब नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है int, 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 ये क्या है? कीवर्ड है, ठीक। कीवर्ड का मतलब क्या बताता हूं मैं आपको, कीवर्ड का मतलब ये है, कीवर्ड का मतलब कुछ आरक्षित शब्द, ठीक, कुछ आरक्षित शब्द होता है कीवर्ड का मतलब, जिसका मीनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से कुछ ना कुछ होता है, ठीक। कीवर्ड का क्या मतलब? कीवर्ड का मतलब कि ऐसा आरक्षित शब्द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है जिस शब्द का कुछ ना कुछ अपना मीनिंग होता है। आपको समझ में आ गया? आ गया ना? नहीं आया? मैं फिर से बोलता हूं, कुछ ऐसा शब्द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से होता है, मतलब ऐसा कुछ शब्द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले से मालूम है, ठीक, और उस शब्द का अपना कुछ अर्थ निकलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके अंग्रेजी के डिक्शनरी में होता है कुछ कुछ वर्ड, जैसे इफ है, या फिर वाटर है, या फिर मैंगो है, तो आप समझ रहे हो ये सब नाम है, फिक्स है, ये तो फिक्स ही है ना, वाटर है, मैंगो है, पता नहीं क्या क्या है। तो ठीक उसी तरह से ये जो है इंट है वो फिक्स है आपके सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, ये आरक्षित शब्द है, ठीक, इसका अपना मीनिंग होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक, क्या मीनिंग होगा मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं लिस्ट ऑफ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, ये देखिए ऐसा लिखा, और इमेज पे जब मैं सर्च करूंगा तो ये देखिए आ गया कुछ, ठीक है। कहां ये फालतू के पहुंचा दिया मेरे को, हटाओ इसको, मैं क्या काम करूंगा, ओपन न्यू टैब, फिर से यही ला देगा, ये फोटो कहां है वो मेरे को दिख जाए, बस ये फोटो है, ठीक है, ओपन न्यू टैब, ये है, ठीक। तो ये फोटो है, ये जो है ये सारे कुछ कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 तो 8 चौको, हाँ, तो कुछ 32 कीवर्ड जो है होते हैं आपके सी लैंग्वेज के अंदर, कुछ हैं इतने लगभग, ठीक। तो क्या हमको इन सारे कीवर्ड को याद करने का जरूरत है? आप कॉपी पेन निकाल लो, मोबाइल निकाल लो, फोटो खींच लो, कॉपी पेन में लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करो, कल याद करके आना, ठीक। और कल याद करके नहीं आओगे तो एक डंडा अपने साथ लेके आना, उसी डंडा से आप लोगों का पिटाई होगा फिर, ठीक। क्या चीज, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग रट के आना कल से घर, घर से, और नहीं रट के आओगे, नहीं बताओगे तो एक डंडा साथ लेके आना, ठीक, उसी डंडे से आप लोग का स्वागत होगा, राइट। मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कहने वाला हूं आपको, ठीक है। तो क्या हम याद करें इन सबको? नहीं जी, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं रटने रटाने वाला काम करता ही नहीं, ठीक। तो आप मत रटिए इन सबको। तो क्या आप करेंगे? हम क्या करेंगे कि इन कीवर्ड का जरूरत पड़ने पर समय समय पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और जब जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस्तेमाल करते करते अपने आप याद हो जाएगा, कोई रटने का जरूरत यहां पे नहीं है, राइट। तो यहां पे एक इंट कीवर्ड है, आपने देख लिया, इसी कीवर्ड को मैं लिखा था,
ठीक। चलिए जी मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। यहां पे मैंने इंट लिखा, ये क्या है, ये कीवर्ड है ठीक। और कीवर्ड क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ आरक्षित शब्द होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका अपना मीनिंग होता है, राइट। आपको समझ में आ गया ये बात, कीवर्ड का मतलब सबको समझ में आ गया ना। इंट एक कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होता है, क्या चीज मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं उस पे। तो कीवर्ड का मतलब आप समझ गए, कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, माने आरक्षित शब्द है जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ठीक। इस इंट का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है, ये कीवर्ड है राइट। आगे चलते हैं, एक किस तरह का कीवर्ड है ठीक। मैंने आपको क्या कहा, इनपुट और आउटपुट का प्रोग्राम बनाना है ठीक। तो मैं, मेरे से कुछ इनपुट पूछेगा प्रोग्राम, मैं उसको इनपुट दूंगा, उसी को प्रिंट करा देगा ठीक। तो इनपुट दूंगा किस तरह, तो इनपुट जो दूंगा वो कुछ डेटा टाइप होगा ना, मैं जो इनपुट दूंगा वो कुछ डेटा होगा, जो इनपुट मैं दूंगा वो डेटा ही होगा ना, कुछ और तो नहीं होगा। तो जो डेटा होगा तो उस डेटा को हमको रखना तो पड़ेगा, डेटा को हमको कहीं रखना होगा ठीक। कहां रखेंगे, कोई जगह चाहिए हमको ठीक, जगह हमको चाहिए, उसी जगह में हम उस डेटा को रख लेंगे ठीक। ठीक है जी। अब इंट का क्या मतलब है, इंट एक तरह का डेटा टाइप है ठीक। हम जो इनपुट देंगे वो इनपुट एक डेटा होगा, लेकिन वो किस तरह का होगा इसका निर्धारण भी हमें करना होगा ठीक। मैं खोलता हूं, ये क्या खोल लिया, मैं क्या खोला हूं, एमएस वर्ड खोला हूं। आप सतयुग में ही पढ़ लिए थे एमएस वर्ड। मैंने क्या लिखा है, इंट ठीक, फिर लिखा है कुछ स्पेस देकर के ए, सेमी कॉलन लगा दिया है मैंने, यही लिखा है वहां पे ठीक है। तो इंट है एक तरह का डेटा टाइप। अच्छा आपको मैं एक चीज बता दूं, मुझे याद आ गया, अब सी लैंग्वेज जो है वो कैश सेंसिटिव है ठीक। सी लैंग्वेज जो है वो कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। कैश सेंसिटिव का क्या मतलब, कैश सेंसिटिव का मतलब यह है कि अगर इंट आई लिख के अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल रन करूंगा तो होगा, लेकिन जैसे इंट लिखा हूं ठीक है, तो आई जो है स्मॉल लिखूंगा तो कंपाइल और रन होगा प्रोग्राम, लेकिन आई को मैं अपर कैश में कर दूंगा तो कंपाइल रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल ए अलग होता है, कैपिटल ए, कैपिटल आई अलग होता है और स्मॉल आई अलग होता है राइट ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंट ऐसे नहीं लिखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंट ऐसे लिखा है ठीक। तो इस तरह से हम इंट लिखेंगे तो ही वो माना जाएगा इंट, अन्यथा इस तरह से लिखेंगे तो नहीं माना जाएगा। जो स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जो कैपिटल लेटर में है उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको। तो आप लेटर का ध्यान रखना ठीक। तो कैश सेंसिटिव, सेंसिटिव का क्या मतलब है, जो अपर में है वो अपर कैश में लिखा जाएगा, जो लोअर कैश में है वो लोअर कैश में लिखा जाएगा। आपको समझ में आ गया कैश सेंसिटिव का मतलब। चलिए जी, तो कैश सेंसिटिव आपने समझ गया। चलिए अब मैं जो इनपुट दूंगा वो एक तरह का डेटा होगा, किस तरह का डेटा हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। तो एन यू एम बी ई आर एन यू एम बी नंबर हो सकता है, या कैरेक्टर हो सकता है ठीक, या फिर शब्द हो सकता है वर्ड, यही होगा ना, या फिर दशमलव वाला कोई नंबर होता है, हो सकता है जैसे 10.5 ठीक है। नंबर में क्या लिखेंगे हम, कुछ भी ये नंबर लिख देंगे। कैरेक्टर में क्या लिखेंगे, कोई भी एक अक्षर, कैरेक्टर माने अक्षर ठीक। यहां पे मान लीजिए ए मैं लिख देता हूं, वर्ड में क्या लिख दूंगा, एप्पल लिख दूंगा, एप्पल का स्पेलिंग यही होगा ना, ए डबल पी एल ई, बचपन में तो ऐसे कुछ मैं पढ़ा था जी। तो स्पेलिंग सही है ना एप्पल का, बता दो भाई, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा मेरा। चलिए जी, तो हमें डेटा एक रखना है ठीक। चलिए, तो ये जो मैंने इनपुट किया है, किया हूं, ये क्या है, नंबर।
ये जो ए लिखा हूं वो क्या है, एक अक्षर है, ठीक। अब ये एप्पल जो लिखा हूं ये क्या है, शब्द है। यहां पे जो मैं लिखा हूं 10.5 या फिर 10.5 कहूं, ये क्या है, ये दशमलव वाला नंबर है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, राइट। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नंबर को क्या बोला गया, कोई सीबीएसई मैथ्स है क्या, नंबर को इंटीजर कुछ बोला जाता है कुछ मैथमेटिक्स वगैरह में, समझते हैं आप लोग। चलिए जी, तो नंबर जो है ये, इसी को कंप्यूटर के भाषा में इंटीजर बोला गया, ठीक। ये जो अक्षर है ए या फिर क ख ग घ आप कुछ लिख दोगे, ठीक। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं ए लिख के कर देता हूं क, आधा क क्यों लिखा रहा है भाई, मान लीजिए आधा कहो चाहे पूरा कहो का फर्क पड़ता है हमको, ठीक है। मैंने शिफ्ट तो दबाया नहीं था, अच्छा हाँ दबा लिया होगा गलती से, तो क लिख दिया। ये क्या है, अक्षर, अक्षर भी तो हमको स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, तो अक्षर को क्या बोला गया कंप्यूटर के भाषा में, कैर, ठीक। कंप्यूटर के भाषा में कैर बोला गया, ठीक, वर्ड, ठीक। अब इसको एप्पल माने क्या होता है जी, ठीक है। मुझे शिफ्ट दबाने का बहुत खराब आदत हो गया लगता है, मैंने यहां लिख दिया सेव, ठीक। सेव को रखना है तो कहां रखूंगा, वर्ड में, शब्द में, ठीक। तो जो सेव है ये किस तरह का डेटा है, शब्द है ये, राइट, समझ गए आप। शब्द को कंप्यूटर के भाषा में क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग, ठीक, स्ट्रिंग बोला जाता है शब्द को कंप्यूटर के भाषा में, राइट, समझ गए आप, समझ में आ गया आपको। ये जो दशमलव में लिखा हूं, ठीक, दशमलव वाला, इसको कंप्यूटर के भाषा में क्या बोला जाता है, फ्लॉट, ठीक, फ्लॉट बोला जाता है कंप्यूटर के भाषा में, ठीक। तो आपको समझ में आ गया, नंबर को क्या बोला जाता है, इंट बोला जाता है कंप्यूटर के भाषा में, इंट। अब एमएस वर्ड ऑटो करेक्ट करके कैपिटल कर दे रहा है, ठीक है। और अक्षर को क्या बोला जाता है कंप्यूटर के भाषा में, कैर माने कैरेक्टर, ठीक है। शब्द को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। और फ्लोट को क्या बोला जाता है, दशमलव वाले वैल्यू को फ्लोट बोला जाता है कंप्यूटर के भाषा में, माने प्रोग्रामिंग के भाषा में। इतना चीजें आपको समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, आ गया ना। चलिए अब हम समझ लेते हैं वेरिएबल क्या चीज होता है, ठीक। वेरिएबल का मतलब क्या, वेरिएबल और कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, दो होता है ना कांस्टेंट और वेरिएबल, आपने मैथ्स में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मैथ्स में, पढ़ा ना मैथ्स में। अब मैं अंग्रेजी वाला तो हूं नहीं, मैथ मेरा कितना अच्छा है आप जानते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या का क्या मतलब होगा, जिसका वैल्यू बदलता रहे वो वेरिएबल्स कहलाएगा। कांस्टेंट माने जो बस कह दिया तो मुकर नहीं सकता कभी, मतलब कांस्टेंट, जैसे पाई का मान 22/7 होता है वही रहेगा, ये कांस्टेंट है, ठीक। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोग समझते हैं, हिंदी में बोले तो चर राशि और अचर राशि, यही होता है ना, मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया, कदो तो गणित था, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं कहां पे, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ डेटा टाइप बनाया गया है, ठीक। मैं क्या बोला आपको, इनपुट और आउटपुट का हमको प्रोग्राम बनाना है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमारे से इनपुट लेगा, ठीक, हमसे लेगा इनपुट, और इनपुट में हम जो डेटा देंगे उसको कहीं रखेगा, और फिर जहां रखा रहेगा वहीं से डेटा हमको उठा के दे देगा, यही करेगा ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये लो आपका किताब, आपका किताब यूनिवर्सिटी से आ गया, ये लो, ठीक। तो आप किताब लेंगे और ले जाके अपने कमरे में रख देंगे, राइट। फिर मैं कहूंगा कि जो मैंने किताब दिया था उसको लेके आना जरा, तो आप क्या करेंगे, घर जाएंगे, घर से अपना किताब उठाएंगे और मुझे दे देंगे लाके कि ये देख लो, दे दिया। अब फिर मेरा मर्जी वो किताब मैं आपको दूंगा कि नहीं दूंगा, वो बाद में सोचा जाएगा, राइट। तो कुछ ऐसा ही तो कंप्यूटर के अंदर होगा ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, ऐसे ही होगा कंप्यूटर के अंदर भी, ठीक। तो इनपुट मेरे को कुछ देना है कंप्यूटर को, तो इनपुट मैं दे दूंगा ABCD, ठीक।
और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको स्टोर करके रख लेगा। आप अपने कमरे में कुछ सामान स्टोर करके रख लेते हो, जैसे किताब आपको मैंने दिया तो आपने स्टोर करके रख लिया, ठीक। तो ठीक उसी तरह से एक जगह तो चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भाई, कंप्यूटर को एक जगह चाहिए जहां पे डेटा रखेगा, राइट। तो रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक जगह बनाएंगे, ठीक। तो जगह बनाएंगे तो कैसा जगह बनेगा, यहां से मैं ए ले लूंगा, ऐसा जगह बन जाएगा एक ठो। कमरे का आकार भी कुछ ऐसे ही होगा आपका, चाहे ऐसे होगा या ऐसा होगा, माने जो डिजाइन का होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, ठीक। ऐसा जगह बनाना, जगह चाहिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या प्रोग्राम को, ठीक। वो जगह कहाँ होगा, रैम में, ठीक। आपको कुछ सामान रखना होता है तो आप अपने कमरे में रख लेते हो, अपने घर में ले जाके रख लेते हो ना, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कुछ डेटा स्टोर करके रखना है तो कहां रखेगा, अपने घर में, माने रैम के अंदर। आप जानते हैं रैम जो है प्रोग्राम को होल्ड करता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको बताया था, मैं बताया था ना, रन करते हैं तो प्रोग्राम जो है रैम में जाता है और रैम से फिर एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेसर में जाता है। तो रैम के अंदर जो है आप जो डेटा देंगे वो डेटा जो है रैम के अंदर रखा जाएगा, ठीक। मान लीजिए कि ये जो ए नाम का मैं यहां पे क्या बनाया हूं, वेरिएबल्स है, ठीक। इंट कीवर्ड का क्या मीनिंग है, इंट क्या है, ये कीवर्ड है, किस तरह का कीवर्ड है, ये डेटा टाइप है मान लो आप, ठीक। ये क्या है, डेटा टाइप है, किस तरह का डेटा टाइप है, नंबर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक। नंबर को क्या बोला जाता है कंप्यूटर के भाषा में, इंटीजर, ठीक। अब इंटीजर का क्या मतलब है, सी के अंदर इंटीजर को इंट बोला जा रहा है यहां पे, ठीक। तो इंट क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक। ये किस तरह का कीवर्ड है, ये डेटा टाइप है, ठीक। किस तरह का डेटा टाइप है, नंबर टाइप का ये डेटा टाइप है, ठीक। अब इंट जब कीवर्ड है और कीवर्ड का मतलब आरक्षित शब्द होता है और उस आरक्षित शब्द का कुछ मीनिंग होता है अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इतना बात आपको क्लियर है। अब इंट कीवर्ड का क्या मीनिंग है, इंट कीवर्ड का मीनिंग ये है कि आपने इंट जहां पे लिख दिया, ठीक, तो इसका मतलब है कि नंबर तरह का डेटा टाइप है, ठीक। फिर इंट लिखने के बाद आप स्पेस दीजिए और यहां पे कुछ नाम लिख दीजिए, मैंने कुछ नाम दे दिया, ठीक। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाएगा वेरिएबल्स, ठीक। ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, वेरिएबल। स्पेलिंग सही है क्या, मैं मिटा देता हूं, शायद गलत हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा जी मेरा, ठीक। तो ये कहलाएगा वेरिएबल, ठीक। अब समझ बात आता है कि वेरिएबल माने क्या, वेरिएबल का मतलब क्या। तो वेरिएबल का मतलब ये कि आपको मैंने बोला रैम के अंदर खाली जगह चाहिए हमें छोटा सा, जहां पे हम अपना डेटा रखें, ठीक। तो वो जगह बनेगा कैसे, वो जगह बनाना भी तो पड़ेगा ना हमको भाई। आपको घर बनाना रहता है तो आप पहले जमीन देखते हैं, उसमें कुछ आर्किटेक्ट से नक्शा वगैरह बनाते हैं, फिर गड्ढा खोदते हैं, दीवार खड़ा करते हैं, कमरे बना के तैयार कर लेते हैं आप, राइट। तो ठीक उसी तरह से मेमोरी में भी तो जगह बनाना पड़ेगा आपको रैम के अंदर, तो वो जगह कैसे बनेगा, तो वो इंट के माध्यम से बनेगा, ठीक। इंट का क्या मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, इंट जो है वो एक नंबर टाइप का डेटा टाइप है और ये इंट क्या करेगा, आपके रैम में थोड़ा सा जगह बनाएगा, ठीक। कितना जगह बनाएगा, थोड़ी देर में हम समझेंगे कितना जगह बनाएगा, ठीक है। तो ये जगह बनाएगा, ठीक। उस जगह का नाम क्या होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाया, ठीक, तो आपके घर का क्या नाम होगा जी, आप इसमें घर में रहते हो तो आपके घर का एक पता तो होगा, तो आपके रैम में इंट नाम का जो है कीवर्ड या फिर डेटा टाइप वो क्या करेगा, आपके रैम में एक जगह बनाएगा। उस जगह का पता तो कुछ होना चाहिए, क्यों, उस जगह का अगर पता ही आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप उस जगह पे जाओगे कैसे, क्यों नहीं जा पाओगे। जैसे आइंस्टाइन को मालूम नहीं था, ऑटो पे बैठ गया, ऑटो ड्राइवर से पूछ लिया जी आइंस्टाइन का देखा है घर, चलो भला हो ऑटो ड्राइवर का उसको मालूम था आइंस्टाइन का घर, तो आइंस्टाइन को उससे घर में उतार दिया, ठीक। आपको हाँ क्या करे भाई, याददाश्त थोड़ा कमजोर था, भूल जाता था, ठीक है।
तो आइंस्टाइन को पता नहीं था तो कैसे जाता अपने घर? तो ऑटो ड्राइवर को पता था तो ऑटो ड्राइवर पहुंचा दिया भाई, ईमानदार था थोड़ा ऑटो ड्राइवर, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आपके कंप्यूटर में थोड़ा सा जगह चाहिए जो आप डेटा देंगे प्रोग्राम को उसको रखने के लिए, ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? थोड़ा सा डेटा रखने के लिए जगह बनाएगा, ठीक। वो जगह कैसे बनेगा? इंट के माध्यम से। लेकिन उस जगह का कुछ पता तो होना चाहिए, तो उस पता को कैसे आप करेंगे? उस जो खाली डब्बा बनेगा इस तरह का, इसका क्या नाम होगा, इसका एड्रेस क्या होगा? तो जो एड्रेस होगा वो क्या कहलाएगा? यहां पे मैं आता हूं और लिख देता हूं ए, ठीक। यहां पे आया और लिख दिया मैंने ए, ठीक। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक। ए यहां पे ए मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये ए क्या है? आपके कंप्यूटर के रैम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट नाम का जो कीवर्ड था, माने डेटा टाइप जो था, ठीक है, इंट नाम का जो कीवर्ड था उसने थोड़ा सा जगह बना दिया, ठीक। और उस जगह का नाम क्या रखा, उस जगह का पता क्या रखा? ए, ठीक। उस जगह का पता रख दिया ए, ठीक। और ए यहां पे बन के ऐसा डब्बा रैम में भी बना होगा, ठीक। पता नहीं यार डब्बा बना होगा कि नहीं बना होगा, क्यों लोग ऐसे ही समझाते हैं, मेरे को भी ऐसे ही बताया गया, मैं भी आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, ठीक। तो इंट नाम का जो है कीवर्ड था, ठीक है, तो वो जगह बना दिया यहां पे, ठीक। अब जगह तो बना दिया जी, उस जगह में किस तरह का डेटा रखा जाएगा, ठीक, किस तरह का डेटा रखा जाएगा उसमें? तो उसमें नंबर टाइप का डेटा रखा जाएगा। आपको कैसे मालूम जी नंबर टाइप का डेटा रखा जाएगा? हाँ, यहां पे इंट लिखा हुआ है, इंट का मतलब कंप्यूटर नंबर समझता है, तो हम नंबर टाइप का डेटा इसमें रख लेंगे जी, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाया, तो घर किस पर्पज से बनाया? सोने के लिए बनाया कि किचन रूम बनाया जिसमें खाना खाएंगे आप, खाना बनाएंगे, ठीक है। ऑफिस आपने बनाया, चेयर वेयर रहेगा, वहां पे कुछ लोग आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आप अपना काम करेंगे। तो आप कमरा बनाते हो अलग अलग पर्पज से ना, ऐसा तो नहीं होता कि सारा कमरा सोने के लिए बनता है, सारा कमरा खाने के लिए बनता है, सारा कमरा खाना बनाने के लिए बनता है, ऐसा तो होता नहीं, अलग अलग काम के लिए होता है ना। तो यहां पे इंट डेटा टाइप जो है क्या किया, नंबर टाइप का जो है एक जगह बना दिया जिस जगह में नंबर टाइप का हम डेटा रख लेंगे, ठीक। तो ए क्या है? ये जो ए है यही वेरिएबल्स कहलाएगा, ठीक। अब इसमें आप जो है वेरिएबल्स में डेटा आप रख सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 10 लिखा मैं, ठीक। और मैं क्या कर किया कि यहां पे प्रिंट तो कर ही दिया, मुझे कंपाइल रन करूं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपके सामने रिजल्ट आएगा, 10 आ गया ना, आ गया 10। तो ये वेरिएबल्स है, ठीक। इंट नाम का वेरिएबल्स मैंने, इंट ए से क्या बना, इंट से वेरिएबल बना। किस टाइप का वेरिएबल बनाया? नंबर टाइप का वेरिएबल बना। इस वेरिएबल में मैंने यहां दूसरी लाइन पे क्या किया, हमने पास कर दिया 10। तो इस ए में क्या चला गया? 10 चला गया, ठीक। ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का वैल्यू बदलता रहता है, ठीक। अभी मैंने 10 पास कर दिया है और इस 10 को मैं प्रिंट कर रहा हूं यहां पे ए लिख के प्रिंट एफ से, तो यहां पे ए हमारा प्रिंट हो गया है, ठीक। तो ये लाइन अगर मान भी लीजिए थोड़े देर के लिए कि आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो ये दो लाइन समझ में आ गया। इस बराबर का क्या मतलब है? इस बराबर का मतलब है ये एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ऑपरेटर में आपको कुछ बताया ही नहीं हूं अभी। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि ए नाम का खाली डब्बा एक बन के तैयार हो गया है रैम में, ठीक। वो डब्बा को मैंने यहां पे रखा और फिर इस डब्बा में हमें कुछ रखना तो होगा, ठीक। खाली डब्बा तो बन गया पर इसमें कुछ रखना तो होगा हमको। हमने घर बना लिया पर उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं है घर, ठीक। तो उस घर में रहना है हमें तो क्या करेंगे हम? उस घर में जाएंगे, ताला वगैरह खोलेंगे, फिर शिफ्ट हो जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, रहना शुरू कर देंगे, तो इस्तेमाल होने लगेगा। तो ठीक उसी तरह से इस ए का इस्तेमाल हमें करना है, तो क्या कैसे करेंगे हम? ए लिखेंगे, ठीक, और फिर इक्वल टू का साइन देंगे, ठीक, और इसमें असाइन कर दिए 10, ठीक। ये स्टेटमेंट जो है खत्म हो गया, आप एक कथन, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया, तो यहां पे लगा देंगे हम सेमी कॉलन, ठीक। अब इक्वल टू का क्या मतलब है? इक्वल टू का मतलब यह है कि इस ए नाम के वेरिएबल्स में
हम क्या असाइन करें इस 10 को, ठीक, इस 10 जो है ये 10 है, 10 को ए में डाल दो, रख दो, इस बराबर के चिन्ह का मतलब है, ठीक। बराबर का चिन्ह क्या करता है, लेफ्ट साइड में राइट साइड का वैल्यू असाइन करता है, ठीक। राइट साइड माने 10, 10 में क्या है, 10 में 10 ही है, यहां पे वेरिएबल्स भी हम लिख सकते हैं इसीलिए मैं 10 में 10 बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, 10 मतलब 10 ही होता है, 10 माने 11 नहीं हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा, 10 मतलब 10, ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा इसका वैल्यू। लेकिन ये तो वेरिएबल्स है, ये का वैल्यू बदल जाएगा, 11 कर दूंगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहां 11 किया, फिर ए में गया, यहां 11 पास कर दिया, ठीक। तो इस लाइन पे क्या था, ए का वैल्यू 10 हो गया, लेकिन इस लाइन पे क्या हुआ, ए में 11 चला गया, तो इसका वैल्यू बदल गया, ठीक। तो बराबर का चिन्ह जो है, इक्वल टू का जो साइन है, इसका मतलब ये है कि ए नाम के वेरिएबल्स में, माने एक नाम का जो खाली डब्बा बना है रैम में, जो हमने खाली डब्बा बनाया है कुछ रखने के लिए डेटा, ठीक है, उस डब्बे में माने ए में 10 रख दो, ठीक। तो इससे 10 रखा जाएगा। ये दो लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है, इस दो लाइन में किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए मुझे, ये दो लाइन अच्छे से समझ में आ रहा है, इस दो लाइन में ऐसा कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बिंदी का भी अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये बराबर के चिन्ह का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, 10 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, एक का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये सेमी कोलन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछिए ये दो लाइनों में, इन दो लाइनों में कुछ ऐसा चीज जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिए। नहीं पूछ रहे हो आप लोग, मतलब सबको सब कुछ समझ में आ गया, आ गया ना, नहीं आया, पक्का आ गया सबको। चलिए अब आते हैं इस प्रिंटेप में, ठीक। यहां तो हमने कखरा मात्रा लिख दिया, अच्छा जो चीजें मैं यहां लिखा हूं इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया, ये सारे क्या है, ये इंट है, इंट टाइप का डेटा टाइप है। अच्छा डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में कितने तरह के होते हैं मैं सारा नहीं बता रहा हूं, दो चार कुछ बता दे रहा हूं आपको, जैसे एक है इंट, फिर है कैर, ठीक, फिर है प्लॉट, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप है, डबल भी आप ले लो, ठीक है, बी ओ यू बी एल ई डबल, हाँ स्पेलिंग तो चलो याद है, तो ये डबल है, तो कुछ इस तरह का डेटा टाइप है। मैं समय के अकॉर्डिंग में बारी बारी से डेटा टाइप को यूज करूंगा, ठीक है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। तो इस प्रिंट में चलते हैं, हम प्रिंटेफ में चलते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको हटा दे रहा हूं, मैं क्या क्या हटा दिया, चलिए प्रिंट एफ। हमने क्या सीखा था कि इस प्रिंट एफ में डबल कोट के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, हमने यही सीखा था ना, कंपाइल रन कर दिया तो ये प्रिंट हो गया, ठीक। अब हम क्या चाहते हैं कि इंट नाम का जो वेरिएबल्स बना था, इंट ए नाम का जो वेरिएबल्स बना था, ठीक, उसमें हमने ए में यहां पे 10 पास कर दिया। अब इस 10 को हम क्या करेंगे, हम 10 को दिखाएंगे, ठीक, ठीक है। जैसे मैंने आपको किताब दिया था, आपने घर में रख दिया, तो ये 10 जो है मैंने ए को दिया, ये क्या था, अपने पास रख दिया। अब मैं इसे वापस लेना चाह रहा हूं, ठीक, तो इसको हमको ए से जो 10 वैल्यू है उसको हमको निकाल के दिखाना है, तो हम कैसे दिखाएंगे जी, ए प्रिंट टेप के मदद से, ठीक। तो डबल कोट में आप क्या लिखते हो, जो आपको एज इट इज प्रिंट करना है, ठीक है, वो आप लिख देते हो डबल कोट में, ठीक। लेकिन ए का वैल्यू प्रिंट करना है तो कैसे लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे सबसे पहले ए, ठीक, मतलब ए का हमें वैल्यू प्रिंट करना है, ए को हम डबल कोट में नहीं लिखेंगे, हम डबल कोट में किसको लिखते हैं, डबल कोट में हम स्ट्रिंग को लिखते हैं, मतलब कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं और वो सीधा प्रिंट हो जाता है, ठीक। चलिए जी, तो हम डबल कोट में नहीं लिखेंगे, इसको सीधा लिख दूंगा मैं ए, तो क्या इतना लिखने से काम चल जाएगा, आपके सामने मैं रन करके दिखा देता हूं जी, ये तो पता नहीं हैंग कर गया, एरर आ गया, गलती हो गया, नहीं चला, ठीक।
तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा परसेंट डी, ठीक ऐसे। अब इसको मैं करूंगा तो चल जाएगा जी, ठीक है। ये देखिए 10 आ गया यहां पे। ए का मतलब तो समझ में आता है कि ये जो है वो वेरिएबल्स है, इस वेरिएबल में हमने यहां 10 पास कर दिया है, ठीक, ये बात समझ में आ रहा है आपको। लेकिन ये डबल कोट के अंदर परसेंट डी में क्या है, तो डबल कोट के अंदर, ठीक है, परसेंट डी में लिखा गया है कि यहां पे प्रिंट होगा डेटा, ठीक, यहां पे जो है डेटा प्रिंट होगा। कौन सा डेटा प्रिंट होगा, ये 10 जो लिखा है वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। कहां से निकालेगा डेटा, ए नाम का जो वेरिएबल्स है डेटा उसी में है, ठीक है, ए नाम का जो 10 है उसी को प्रिंट करना है, ठीक। कहां पे प्रिंट करना है, तो डबल कोट के अंदर हमें प्रिंट करना है, तो डबल कोट के अंदर कहां पे, जहां पे ये परसेंट डी लिखा है वहां पे प्रिंट कर दो, ठीक है भाई। इंट यहां पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए में जो डेटा है उसको हमें प्रिंट करना है, कहां प्रिंट करना है, इस डबल कोट के अंदर हमको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, परसेंट डी, इसको क्या बोलते हैं, इस परसेंट डी को बोलते हैं शायद फॉर्मेट स्पेसिफायर, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, तो इसको परसेंट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। तो परसेंट डी मतलब डेटा हमको प्रिंट करना है इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब यहां पे परसेंट डी ही लिखा जाता है क्या सिर्फ, नहीं, अगर इंट से हमने बनाया है वेरिएबल्स तो इससे पता चलता है हमें कि इसमें नंबर स्टोर कर पाएंगे खाली, ठीक है। अब अक्षर यहां पे स्टोर करना होता तो क्या करते हम, कैर नाम से बनाते वेरिएबल्स। कैर का मतलब क्या होता है, अक्षर, और इसमें क्या होता, फिर एक ठो अक्षर असाइन हो जाता, ठीक है। तो अक्षर को प्रिंट करना होता तो क्या करते, सी से कैरेक्टर होता है, यहां पे हम सी लगा देते, ठीक है। तो इंट को प्रिंट करने के लिए सिर्फ डी लगाएंगे हम, ठीक, और कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो सी लगा देंगे, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, नंबर टाइप का डेटा है उसको प्रिंट करने के लिए हम यहां पे डी लिख देंगे, परसेंट डी, ठीक, समझ में आ गया आपको। अब इसी को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, कंपाइल एंड रन एक साथ किया तो यहां पे देखिए 10 आ गया, ठीक। अब मैं क्या काम करूंगा ना, ऐसे कर दूंगा, ठीक, यहां पे आ गया, तो फॉर्मेट में होके आ गया ना, तो इसको बोलेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक, तो हो जाएगा जी ये ऐसे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये जो वैल्यू प्रिंट हुआ है ना, ये जो वैल्यू, कंपाइल रन करूं मैं, ये जो वैल्यू यहां पे प्रिंट हुआ है, 10 के आगे पीछे भी कुछ लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप बड़े आसानी से लिख देंगे, ए का वैल्यू है क्या है, बराबर का चिन्ह दे देंगे, ठीक। अब कहां पे है ए का वैल्यू, कहां पे प्रिंट होना चाहिए, तो जो वैल्यू प्रिंट होगा ना वो यहां पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक। लेकिन वैल्यू प्रिंट होगा तो किसका, तो हम कॉमा दे के लिख देंगे ए, ठीक, ए लिखेंगे यहां पे, मतलब ए का वैल्यू प्रिंट करो, कहां पे प्रिंट कर दो, तो यहां पे प्रिंट कर दो ए का वैल्यू, ठीक। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि सेव हुआ या नहीं हुआ, यहां पे मैं कुछ लिख दिया तो यहां पे आ जाएगा स्टार का चिन्ह, आपको दिख रहा है स्टार, नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, अब दिख रहा है, तो ये स्टार का चिन्ह मतलब ये सेव नहीं हुआ है, ठीक। और यही चीज मैं यहां पे कंट्रोल एस कर दिया तो स्टार का चिन्ह हट गया जी, मतलब सेव हो गया। तो मैं फिर से इसको हटा दूंगा, फिर से स्टार आ गया, मैं कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा, ठीक। अच्छा, मैं यहां पे क्लिक करके कंपाइल और रन कर रहा हूं, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिख रहा है वो, ठीक है, जब ये दिख रहा है तो अच्छी बात है जी। ये देखिए आ गया, ए का वैल्यू क्या है, 10 है, यहां पे मैं कैपिटल ए लिखा हूं, स्मॉल ए लिखना चाहिए, स्मॉल ए लिखूंगा, ठीक है। अब फिर से इसको मैं कंपाइल और रन कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए आ गया। तो इसमें किसी को किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप बताइए मुझे, ठीक। तो इंटीजर टाइप का माने नंबर टाइप का कोई डेटा होता है तो उसको प्रिंट करने के लिए हम परसेंट डी लिखते हैं,
आपको ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? ये तीनों लाइन में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप बताइए मुझे, कुछ भी दिक्कत है। ये कॉमा दिया हूं मैं सेपरेट करने के लिए, ठीक, ये अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, ये अलग सेपरेट हो गया। तो कोई और दिक्कत, कुछ दिक्कत है तो बताइए। कहां पे? यहां पे? हाँ, और कैरेक्टर लेना है आपको, तो ठीक है, मैंने जेड ले लिया, कंट्रोल एस कर दिया और कंपाइल करके रन कर दिया, आ गया ना। तो यहां पे हम बदल सकते हैं नाम। अब दूसरा चीज की वेरिएबल्स है ना, इसका नाम क्या हम कुछ भी लिख सकते हैं? इसके आगे वन लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत है क्या? चला देता हूं जी, आप देख लेना दिक्कत क्या आएगा। कंपाइलर बुरा मान गया, और बुरा मान गया तो बोल रहा इतना लंबा चौड़ा बिफोर न्यूमेरिक, पता नहीं ये क्या क्या बोल दिया, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक, तो बुरा मान गया जी कंपाइलर। तो वेरिएबल्स जो आप बनाते हैं उसको बनाने के लिए कुछ नियम होता है, कुछ कानून होता है। ठीक, क्या नियम होता है, क्या कानून होता है? तो वेरिएबल का पहला अक्षर, पहला अक्षर में आप नंबर नहीं टाइप कर सकते। ठीक, आप नंबर टाइप नहीं कर सकते, ठीक है, ये कानून है। आप झुकते हैं कि नहीं झुकते मेरे को नहीं पता, पर झुकना पड़ेगा। ठीक, जैसे वो कोई था ना सिखावत की, क्या उसका नाम था, वो कोई पुलिस ऑफिसर था क्या था, किस एसपी था क्या था, झुकना पड़ा था ना थोड़ी देर के लिए, तो झुकना पड़ेगा इधर आपको। ठीक, तो यहां पे पहला लेटर नंबर नहीं हो सकता जी। ठीक, समझ में आ गया आपको। दूसरा, एक के बाद अगर मैं कुछ एक लिख दूं, दो लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाइल करके रन कर दूंगा, चल जाएगा जी। अब ये जेड वेरिएबल्स तो है नहीं, इसीलिए नहीं चला। ठीक है, तो यहां पे जेड करूंगा, फिर यहां पे ये करके रन कर दूंगा, कंपाइल रन करूंगा, तो अब ये चल जाएगा जी। देख लो चलता है कि नहीं, चल तो गया जी। तो पहला लेटर जो है नंबर नहीं हो सकता, दूसरा लेटर में नंबर हो सकता है। ठीक, अगला इसका क्या कानून है, पहले लेटर में ये लगा दूंगा तो क्या चलेगा? सेव करके रन करता हूं जी, देखना क्या होगा, फिर से बुरा मान जाएगा, बोल दिया बुरा मान गया कंपाइलर। ठीक, तो क्या है, स्पेशल कैरेक्टर भी पहला लेटर नहीं हो सकता, पहला लेटर, पहला अक्षर नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता, पॉइंट नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो अंडर स्कोर, ए वाला नहीं, ए वाला। ठीक, कंपाइल करके रन मैं कर देता हूं जी, आप देख लो आपके सामने, यहां भी तो देना पड़ेगा ऐसे। ठीक, ये देखिए चल गया। तो पहला लेटर में स्पेशल कैरेक्टर आप दे सकते हैं सिर्फ अंडर स्कोर, बाकी कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते आप, ध्यान रखना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी नहीं चलेगा, सिर्फ अंडर स्कोर। और नंबर पहला लेटर में नहीं होना चाहिए जी, दूसरा लेटर चलेगा। ठीक, अगला क्या, अगला ये कि दो ठो वेरिएबल्स आपने बनाया है तो बीच में स्पेस नहीं हो सकता जी, स्पेशल कैरेक्टर तो यहां पे भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जी, स्पेशल कैरेक्टर ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, यहां पे अंडर स्कोर करोगे तो चलेगा, ठीक, यहां पे अगर आप अंडर स्कोर करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, F10 में, ठीक है, एग्जीक्यूट में आऊं, ओह नो, ये देखिए यहां पे F10 है ना, अब मैं दबा दिया तो सुन लिया ये कैमरा। ठीक है, मैं बोल रहा था इस आईडी को क्या करें, बोलो किसी और को, सुन कोई और लेता है जी, बड़ा समस्या है। खैर कोई नहीं, हम फिर से कर लेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, हाँ रिकॉर्ड चालू तो कर दिया ना, चलिए जी जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, मैं था लेकिन किधर, मैं ये भूल गया, हाँ नाम लिखने का रूल बता रहा था आपको। तो यहाँ पे जो है चल जाएगा आपका। ठीक है, कंपाइल रन मैं एक साथ करूंगा, ये देखिए चल गया ना। तो यहां पे आप स्पेस नहीं दे सकते जी, स्पेस देंगे तो क्या होगा, बुरा मान जाएगा वो। ठीक है, अब मैं यहीं से क्लिक कर लूंगा जी, बटन नहीं दबाऊंगा, ये देखिए बुरा मान गया जी ये।
ठीक है, तो ये बुरा मान जाएगा, ठीक है, इस पे हिसाब देंगे तो, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट और रन करूंगा तो चल गया, ठीक। तीसरा कानून क्या कहता है कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक, आपका वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए जी। आपको मैंने बताया था ना कितना कीवर्ड है, इन सभी में से कोई वेरिएबल्स का नाम नहीं होना चाहिए जी कभी, ठीक। जैसे इफ कीवर्ड हो गया, इंट कीवर्ड है, ठीक है, कैर नाम का कीवर्ड है, तो ये सब नहीं हो सकता जी वेरिएबल का नाम। ये लिख दोगे तो कंपाइलर बुरा मान जाएगा, बोलेगा मैं नहीं जानता भाई, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता जी, ठीक। तो इंट कीवर्ड है, इंट कीवर्ड का क्या मतलब है कि इंट लिखेंगे उसके बाद हम कोई भी नाम देगा, तो इस नाम से रैम में थोड़ा मेमोरी बना लेना है, ठीक है, और फिर उसमें कुछ रखना चाहेगा व्यक्ति तो इस तरह से रख लेगा, ठीक, और यहां पे ये हो जाएगा। तो क्या कानून बनाया हमने, वेरिएबल्स का नाम लिखने का हमने ये कानून बनाया, पहला कानून कि एफ आई आर एस टी, फर्स्ट लेटर नंबर एंड स्पेस, रहने दो भाई हम एमएस वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है, एंड स्पेस, कैसे लिखूं मैं स्पेशल, स्पेशियल, स्पेशल कैरेक्टर, अरे यार अब होता नहीं पड़े है ना, स्पेशल कैरेक्टर नॉट एलाउ, स्पेलिंग सही है एलाउ का, सही होगा जब गलत नहीं बता रहा है तो, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, ठीक। एलाउ क्या है, अंडर स्कोर, ठीक, ओनली एलाउ अंडर स्कोर, ठीक, खाली अंडर स्कोर अलाउ है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा कानून क्या है जी, स्पेस भी अलाउ नहीं है, ठीक है, तो स्पेस भी अलाउ नहीं है, याद रख लेना है। तीसरा क्या है कानून, कि कीवर्ड नहीं हो सकता, कीवर्ड वेरिएबल नेम, ठीक, नॉट अलाउ, कीवर्ड वेरिएबल्स नेम नॉट अलाउड, पता नहीं ये सेंटेंस सही है कि गलत है नहीं पता मेरे को, लेकिन आप शायद समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कीवर्ड जो है अलाउ नहीं है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, अंडर स्कोर को छोड़ के जी, ठीक, अंडर स्कोर खाली अलाउ है, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है, नंबर अलाउ नहीं है, ठीक, लेकिन नंबर जो है ना बीच में हो सकता है, ठीक, जो नंबर है बीच में हो सकता है जी। तो मैंने आपको दिखा दिया बीच में नंबर लिख के या किनारे नंबर लिख के, ठीक, जैसे यहां पे 10 लिखा फिर से ए लिख दिया, ठीक, तो ये अलाउ हो जाएगा ना, नहीं होगा, बोलिए रन करके दिखाओ तो मानेंगे, नहीं तो कहने के लिए तो कुछ भी बोल देते हैं, क्या चीज, बहुत सारा डिजिट, मतलब आप चाहते हैं कि इतना डिजिट लिखें, देख लीजिए जब आपका मर्जी है यही करने का तो कर लीजिए जी। अब आपने कही दिया कि बहुत सारा डिजिट लिख सकते हैं कि नहीं, तो मैं लिख के तो दिखाई दिया, लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। अब कितना बार आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, बार बार आपको वेरिएबल का नेम इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए रीडेबल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वेरिएबल का नाम पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि ये वेरिएबल किस लिए बना है, ठीक है। तो इसलिए ये सब भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको कहते हैं आदर्श, ठीक, नैतिकता, ठीक है, जैसे आपने पढ़ाया ना नैतिकता, बड़े हैं तो उसको नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, छोटा है तो दो झापड़ लगा दो बड़े को लगा नहीं सकते ना, ठीक है। तो जैसे आप रियल लाइफ में देखते हो ना नैतिकता, वही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नैतिकता है कि वेरिएबल का नेम कोशिश करें कि छोटा हो, पर इतना ज्यादा छोटा ना हो कि अब ए बी सी डी आप लिख देंगे वेरिएबल का नेम, पता नहीं चलेगा कि ये वेरिएबल किस लिए बनाया, तो लिखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, पता नहीं क्या क्या नेम, ठीक है। तो ये सब नैतिकता है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं लिख दूंगा नम वन, मतलब नंबर पहला, ठीक है, तो ये सब जो है आप इस तरह से करोगे, ठीक। तो वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया, वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल मतलब ये कि आपके रैम के अंदर कुछ जगह स्पेस बनाया गया है
और जिस स्पेस का एड्रेस या उस जगह का खाली जगह का नाम जो है, पता जो है, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक, ये क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, कीवर्ड तो पहले मैंने बोला, ठीक, फिर मैंने बोल दिया जी डेटा टाइप है। ठीक, तो अब मान लीजिए मैंने आपको बोला था कि जो इंट है वो डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि वेरिएबल का साइज क्या होगा। ठीक, उसका रेंज क्या होगा, मतलब कि क्या नंबर नाम का जो वेरिएबल्स है उसमें हम इतना डेटा रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते जी, हम रख दिए क्या, लगता है रेंज, हाँ नहीं रख पाए हम। ठीक, ज्यादा हो गया। तो आपने रियल लाइफ में तो देखा है ना कि 4x4 का कमरा है तो 8x8 का जगह मिलेगा कहां से, तो वैसे ही सारे वेरिएबल्स का एक साइज होता है, कितने साइज का डब्बा बनेगा। ठीक, तो मैं आपको दिखा देता हूं जी। ठीक है, इंट साइज इन सी, क्या मैं लिख दिया, ये मजा नहीं आया, इन सी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं इमेज में चला गया तो यहां बहुत सारा आ गया जी। ठीक है, ये देख लीजिए, ओपन न्यू टैब कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, नया टैब में करूंगा तो आ जाएगा अभी। और तो सभी का साइज होता है, रेंज होता है अपना। ठीक है, साइज रेंज को भी हम पढ़ेंगे जो है। ठीक है, ये देखिए मैंने क्लिक क्यों कर दिया इसके ऊपर, ये आपको दिखाई दे रहा है कैरेक्टर का कितना होता है, 1 byte, शॉर्ट इंट का 2 byte, इंट का 2 byte, लॉन्ग का, लॉन्ग इंट का 4 byte। ठीक है, एक कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी भी करता है। ठीक, 32 बिट का कंपाइलर है तो ज्यादा होगा, 16 बिट का कंपाइलर है तो कम होगा, पर कंपाइलर और बिट पे आप अभी ना जाओ, कॉम्प्लिकेशन में नहीं करना चाहता। ठीक है, अब इंट का जो है कितना है, 2 byte। ठीक, इंट का जो साइज है वो 2 byte है, तो 2 byte से हम ऊपर डेटा नहीं रख पाएंगे जी। ठीक है, चलिए जी, और मैं आगे आता हूं अब। ठीक है, 10 जो मैंने पास किया था वही पास कर दिया। ठीक है, तो सभी डेटा टाइप का जो है साइज होता है, अपना रेंज होता है, कितना जगह लेगा। ठीक है, अब जैसे 2 byte लिखा था इंट का रेंज, इंट का साइज में, तो आपके रैम में जो जगह बनाएगा, खाली डब्बा बनाएगा जैसे मान लो, तो उसका साइज कितना होगा, 2 byte होगा, 2 byte ही होगा ना, क्योंकि साइज तो उसका 2 byte है। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप जो है वेरिएबल्स का टाइप बताता है, साइज बताता है, रेंज बताता है। टाइप मतलब किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, रेंज मतलब कहां से कहां तक स्टोर हो सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर के 0 to 100, तो इसको कहेंगे रेंज। और साइज मतलब क्या हो गया, जैसे 1 byte तो ये साइज हो गया, या फिर 2 byte, ठीक है, तो ये बाइट हो गया। फिर बताता है टाइप। ठीक, तो वेरिएबल्स क्या बताता है, क्या बताता है वेरिएबल्स, ये 3 चीज बताता है। ठीक, रेंज बताता है, रेंज ऐसे लिखा है, कैसे लिखा जाएगा यार, ऐसे मेरे को लग नहीं रहा है कि ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे या ऐसे, कोई बताओ, ऐसे, बात तो सही कर रहे हो यार, मुझे पहले कहीं नहीं पता चला। ठीक है, फिर बताएगा साइज। ठीक, फिर क्या बताएगा, टाइप, जिसमें सीक्वेंस में लिख रहा हूं उसी सीक्वेंस से नहीं बताएगा। ठीक है, अब रेंज का क्या मतलब, कि जैसे इंट टाइप का वेरिएबल है तो ये कहां से कहां तक डेटा स्टोर कर लेगा। ठीक, कहां से कहां तक डेटा स्टोर कर लेगा। ठीक, रेंज का माने 0 से 100 तक, 0 से 100 तक ही नहीं होगा, मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक, हाँ हाँ पता है, मैं आऊंगा थोड़ी देर में उसमें आऊंगा। ठीक है,
मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। साइज में क्या बताएगा, साइज में जैसे 1 byte, 2 byte, 3 byte, 10 byte, 50 byte, 100 byte, सच में कहें तो 100 byte किसी डेटा टाइप का रेंज है नहीं इतना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो साइज का मतलब ये बिट बाइट में बताएगा, ठीक है। टाइप का क्या मतलब होगा, टाइप में बताएगा जैसे इंट टाइप का या कैर टाइप का, ठीक है, या डबल टाइप का या फ्लॉट टाइप का, ठीक है। तो ये बताएगा टाइप, ठीक। तो टाइप साइज रेंज जो है बताता है आपका वेरिएबल्स, ठीक। समझ में आ गया आपको वेरिएबल्स, टाइप का क्या मतलब होता है, टाइप क्या क्या बताता है। तो टाइप जो है वेरिएबल का टाइप साइज रेंज बता देता है। समझ में आपको आ गया इतना, आ गया नहीं आया, बोलोगे कुछ नहीं बोलोगे, आ गया, आगे चले, सबको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया, नहीं आया किसी को, ये प्रोग्राम भी सबको समझ में आ गया। चलिए जी, इंट को हटा के यहां पे मैं कैर कर लेता हूं, ठीक। कैर को मैं सी लिख देता हूं, ठीक है, सी कर देता हूं, और इसमें मैं ए रख देता हूं, ठीक है, और यहां पे सी कर देता हूं, ठीक। यहां पे भी सी माने कैरेक्टर, कैरेक्टर को प्रिंट करना है, माने स्क्रीन पे दिखाना है, तो सी जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता है। अब यहां पे लिख दूंगा सी का क्या वैल्यू है, तो इसको जो है मैं कंपाइल करके रन कर दूंगा, ए प्रिंट हो गया ना यहां पे। अब क्या होगा जी, देख लेना, कुछ नहीं, हट गया, ठीक। तो कैर में क्या होता है, कैर का मतलब अक्षर, ठीक ठीक है, कैर का माने अक्षर और कुछ नहीं जी। इसमें इतना लंबा चौड़ा मैं लिख के सेव करके रन कर दूंगा तो क्या होगा, आ गया, ठीक। इतना मैं लिखा तो यही वाला खाली लिया, कहे भाई ये तो बहुत ना इंसाफी है, तो आखिरी लेटर को ले लिया, एक ही कैरेक्टर लेता है ना, एक ही कैरेक्टर जो है, कैर कैर माने क्या होता है, कैरेक्टर माने क्या, अक्षर, ये अक्षर टाइप का है ना डेटा टाइप, कैर जो डेटा टाइप है वो अक्षर टाइप का है, ठीक। अब अक्षर का माने क्या, एक ठो सिंगल क ख ग घ, ठीक है। तो यहां पे ए लेगा, बी लेगा, सी लेगा, ठीक है। तो ये यहां पे कुछ भी मैं सिंगल कैरेक्टर दिया, ठीक है, और उसी को मैंने प्रिंट कर लिया। अब इसका साइज कितना है, कैर का साइज अगर मैं पता करूं तो इसका जो है साइज है 1 byte, ठीक। कैर का साइज आपने देखा था 1 byte था, ठीक है, जो मैंने फोटोग्राफ्स निकाले थे, ठीक है, 1 byte होता है कैरेक्टर का साइज, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होगा, इसको प्रिंट करूंगा तो दिखाएगा नहीं दिखाएगा, बताओ जी, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखा दिया जी। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ले लेगा, ठीक, जैसे मैं ए साइन लगा दूं तो भी ले लेगा, मतलब एक अक्षर लेगा, एक अक्षर के लिए इसको 1 byte चाहिए, ठीक। तो कैरेक्टर का साइज कितना हो गया, साइज हो गया 1 byte, किसका, कैरेक्टर का, ठीक। अब मैं कैर ही क्यों बता रहा हूं, ये थोड़ा सा कम है तो आपको समझने में बड़ा आसान होगा, ठीक। अब रेंज क्या होगा इसका, साइज को मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है। अब रेंज क्या होगा, तो 1 byte का रेंज कितना होता है जी, 8 byte का नहीं, 8 bit का 1 byte, वही होता है ना, आपने बिट बाइट पढ़ा, ठीक है। तो 1 byte का रेंज कितना जी, -128 to 127, यही होता है इसका रेंज, ठीक। चलिए जी, टाइप में क्या आ जाएगा, कैर ही आ जाएगा, ठीक, सेव नहीं कर रहा हूं मैं, इसका वही यही रेंज होता है, ठीक। अब 127 है, ठीक है,
मैं आपको बताया था ना, 2 4 6 8 करके, 4 2 8 2 16 2 32 2 64, कुछ उसी तरह का जो है कैलकुलेशन इधर चलता है। ठीक, तो इसी तरह से जो है निकाय, इस रेंज को हटा दे रहा हूँ ना मैं, काई को लिए यहाँ रखा हुआ, ये रेंज इसका होगा। ठीक है, तो कैर में जो है एक कैरेक्टर आता है और एक कैरेक्टर रखने के लिए इस्तेमाल हो जाता है 1 byte। ठीक, क्योंकि 8 bit ही चाहिए ना, 8 bit में तो सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। ये ASCII कोड का, कोड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ASCII कोड में आपको बताया था ना, बताने का जरूरत है, दोबारा नहीं है? ASCII कोड दोबारा बताने का जरूरत है नहीं है? है, चलिए तो हम ASCII कोड देख लेंगे, अभी मैं तुरंत नहीं बता रहा हूं। ठीक है, ASCII कोड जो है हम देख लेंगे। ठीक, अच्छा यहां पे मैं क्या डाल देता हूं, 97। ठीक, रन कर दूं जी? नहीं होगा ये तो, सच में नहीं होने लगा, ये तो बहुत ना इंसाफी है। अब क्या किया जाए, ये तो हो नहीं रहा है रन। क्यों क्यों नहीं हो रहा है रन, बताओ कोई? मैंने कुछ और हिंट दे रखा है आपके लिए, इसको लगा दूंगा मैं। ठीक, ये तो चल गया जी, ये तो बड़ा गंदा मजाक कर लिया, ये कर लिया ना, बहुत खराब मजाक कर लिया। 7 के जगह पे क्या दे दूं, 8। ठीक, अब क्या प्रिंट होगा जरा बताओ, बी। इसके जगह पे क्या दे दूंगा, 99। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सी। बड़ा खराब मजाक कर रहा है ये ना। क्यों, मैंने बताया था अपना आपको कोड सिस्टम, तो इंटरनली 97 का, ठीक है, ए का जो कैरेक्टर है, ए का जो कोड है, ASCII कोड है, वो 97 है, इसीलिए ए प्रिंट कर दिया था। ठीक, 97 मैंने किया। ठीक है, और फिर लेकिन एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर में होल्ड कर रहा हूं मैं 97 नंबर को, तो क्या कर रहा है, नंबर को बदल दे रहा है, ASCII कोड वैल्यू इसका निकाल ले रहा है ए, और प्रिंट कर दे रहा है। खैर ये मैं इतना डेप्थ में मुझे बताना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको छोड़िए, हम इसको पढ़ेंगे थोड़े बाद में। ठीक है, मैं फिर से यहां पे आ जाता हूं। ठीक है, और इन सभी को मिटा करके 101 लिख दिया। ठीक, अब इसको मैं कर रहा हूं कंपाइल और रन, तो ये कुछ आया ही नहीं जी। ठीक, क्यों नहीं आया कोई बता सकता है मुझे? डबल कोट में चलाऊंगा तो शब्द बन जाएगा और शब्द के रूप में होगा, मैं चाहता हूं नंबर में ही प्रिंट हो। आपको मैंने बताया था क्या, है परसेंट डी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर है और नंबर को प्रिंट करने के लिए डी, परसेंट डी नाम का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया जाता है। तो मैंने पहला बार जब कंपाइल करके रन किया था तो चला नहीं था, आपने ध्यान दिया था पहला प्रोग्राम तो कुछ हैंग वैंग कर गया था। ठीक है, तो इसीलिए नहीं था, अब उसी समय मैं परसेंट डी लगा देता तो 1000 सवाल का उत्तर मैं नहीं दे सकता था उस समय पे। अब यहाँ पे क्या 99 करूंगा तो भी जो है प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक, ये देखिए, आप यहाँ पे आइए, प्लस का साइन दीजिए और 1 कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पे कर दीजिए कंपाइल करके रन, 100 हो गया, तो 2 और 2 4 होता है। यहां से आप प्रोग्राम बना लेंगे, 2 × 2, इन दोनों को जोड़ा जाएगा यहाँ पे, और जो उसका उत्तर आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा परसेंट डी के मदद से, जहां पे हम चाहेंगे। ठीक, ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब बात आता है यूजर से इनपुट लेने का। ठीक, यूजर से इनपुट लेने का, कि ये जो 2 है ये मैं यूजर से लूं, ठीक, और फिर मैं क्या करूं, प्रिंट कर दूं। तो कैसे यूजर से लेंगे हम, इन सबको मैं डिलीट करता हूं, जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है मेन के अंदर लिखना है जी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, int, पहले a वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, फिर कॉमा सेमीकोलन दूंगा, int b वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक, हमको 2 स्टोर करना है ना, हमको 2 नंबर स्टोर करना है, दोनों को जोड़ना जो है, तो 2 मैं स्टोर बना लूंगा वेरिएबल्स ऐसे, और 1 में रिजल्ट रखना है। ठीक, तो यहां पे सी बना लूंगा, 3 बन गया वेरिएबल। ठीक, अब वेरिएबल बन गया,
ये तीनों लाइन का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो? कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? पीछे भी सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए बी और सी समझ में नहीं आ रहा है, ए समझ में आ रहा है ना? ए का मतलब क्या होता है? ए माने क्या? ठीक है, तो ये जो है वो इंट टाइप का एक वेरिएबल है। ठीक, यही आपको समझ में आ रहा है इंट का मतलब, ए का मतलब यही समझ में आ रहा है ना? तो बस जो काम यहां पे हो रहा है वही काम यहां भी हो रहा है, वही काम यहां भी हो रहा है, बस फर्क इतना है कि यहां का नाम ए है, यहां का नाम बी है। यहां पे ए दे दूंगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक, ये देख लीजिए, बोल रहा है ना, तो घर का एड्रेस भी तो अलग अलग होता है, नहीं होता? अलग अलग ही होगा जी, मकान नंबर सबका अलग ही होगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये यहां पे वेरिएबल बन रहा है, ये भी बना रहा है वेरिएबल, ये भी यहां पे बन रहा है वेरिएबल। ठीक है, तो क्लियर है अब? नहीं है क्लियर? ठीक है, इसमें हम क्या रख देंगे, इक्वल टू का साइन देके यहां पे 10 रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, 11 रख सकते हैं। यहां पे क्या कर देंगे, ए प्लस बी। ठीक, पी आर आई एन टी एफ, फिर यहां पे डबल कोट में परसेंट डी कॉमा फिर सी। चला दूं ना प्रोग्राम, ये देखिए इतना ही उत्तर आना चाहिए था क्या? 10 10 20 और 1 21। ठीक, तो ए को और बी को मैंने ये नंबर डाला और इन दोनों को यहां पे जोड़ा। ठीक, तो पहले ये जुड़ गया और फिर इस सी नाम के वेरिएबल में चला गया और सी को यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक, तो वेरिएबल जैसे ही बना तुरंत आप चाहें तो यहां पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक, और चाहे तो तुरंत वेरिएबल असाइन ना करके आप ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। ठीक, ऐसे भी असाइन हो सकता है और ऐसे भी असाइन हो सकता है। तो इस प्रोग्राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? है किसी को कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नहीं है कोई कंफ्यूजन? तो ये जोड़ने का प्रोग्राम बन गया जी हमारा। ठीक है, अब क्या है कि क्या हम हमेशा 10 और 11 को ही जोड़ते रहेंगे? 10 और 11 को ही तो नहीं जोड़ेंगे ना? जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे जी? ठीक है, 10 और 11 को ही सिर्फ नहीं जोड़ेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आता हूं यहां पे, यहां पे आऊंगा, यूजर्स में जाऊंगा, इसमें आऊंगा और फिर इस वाले में आऊंगा। तो ये जो ए नाम का सॉफ्टवेयर वो ये है ना हमारा, इसको मैं चलाता हूं डॉस के थ्रू। ठीक है, ए डॉट ई एक्स ई, ठीक, 21 आ गया। ठीक, तो हम जैसे ही कंपाइल करते हैं ना तो यहां पे ए डॉट ई एक्स ई नाम से बन जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। ए नाम से ही मैं प्रोग्राम बनाया हूं ना यहाँ पे, ए डॉट सी नाम से। तो ये जो डॉट सी नाम से है ना, ए डॉट सी आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये जो ए डॉट सी नाम से है इसको कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक, ये सोर्स फाइल है। ठीक है, और फिर ये जो कंपाइल जैसे ही आप करते हो, जैसे मैं यहां पे मान लो डिलीट मारता हूं, इसको मार दिया डिलीट। ठीक, अब क्या होगा, ऐसे आता हूं, जैसे ही कंपाइल करूंगा देखना तुरंत तो सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। कंपाइल सिर्फ कर रहा हूं, रन नहीं कर रहा हूं, कंपाइल किया, बन के आ गया ना यहां पे सॉफ्टवेयर। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर को मैं रन किया यहां पे ए डॉट ई एक्स ई लिख करके, यूजर्स हेमंत डॉक्यूमेंट्स ए डॉट ई एक्स ई, हाँ ये सॉफ्टवेयर का नाम है राइट। यहां पे मैंने क्लिक करके सीएमडी खोला था, आपने देखा था। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को मैंने चला 21 यहां पे आ गया, तो इसका क्या करूं मैं जी 21 का? मेरे से पूछता फिर जोड़ के लाता तब तो मजा आता ना, राइट? मैं सही कह रहा हूं ना? तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे से पूछे। ठीक, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे मैं जो दे रहा हूं ना, यहां पे सेमी कॉलन लगा के इसको डिलीट मार देता हूं। ठीक, डिलीट मार दिया इन सबको। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है ना? है नहीं है?
कोई कंफ्यूजन आपको है तो पूछ लो जी, बता दे रहा हूं मैं आपको। जैसे प्रिंट एफ नाम का जो फंक्शन है, ठीक, प्रिंट एफ नाम का फंक्शन क्या करता है, मॉनिटर पे आउटपुट प्रिंट करता है, यही करता है ना, मॉनिटर पे कुछ भी चीज दिखाता है हमें, प्रिंट एफ नाम का फंक्शन, राइट। तो उसी तरह से कोई फंक्शन होना चाहिए जो हमसे इनपुट ले, तो इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ नाम का फंक्शन होता है, ठीक, स्कैन एफ नाम का फंक्शन होता है, वो क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, ठीक। मैंने यहां पे सेमीकोलन दे दिया, ठीक। अब यहां पे मैं क्या करूंगा जी, यहां पे मैंने इनपुट लूंगा, ठीक, तो इनपुट तो लूंगा लेकिन उसको रखूंगा कहां, रखना कहां है, ये देख लीजिए, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख करके बताना पड़ेगा। मैंने कंपाइल मारा, रन हुआ, आया एरर, ठीक है। तो कैसे बताऊंगा जी मैं, बड़ा आसान काम है, यहां पे क्या किया मैं, अब डायरेक्टली प्रिंट लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा एरर वाले तो आना चाहिए ना, ए लिख दिया मैं, ठीक, मैं ए लिखूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ए के साथ एंड भी लिखना पड़ेगा। ये एंड क्यों लिखना पड़ेगा, हम लोग ना इसको काफी दिन बाद सीखेंगे एंड का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हम इसको कुछ दिन बाद हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी आप रट लो, ठीक। अब रन करूं मैं इसको तो क्या होगा, ये क्या हो गया जी, कुछ और आ गया, सी आ गया, कुछ भी गार्बेज वैल्यू आ गया, ठीक है, खैर इग्नोर करिए उसको। हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे जी, यहां पे परसेंट यही देना होता है ना, चलिए जी, अच्छा यहां पे सी को मैं कहे प्रिंट किया हूं, ए को करते हैं पहले, इसको हटा देता हूं, तब तो आउटपुट स्पष्ट आपको दिखाई देगा। कंपाइल एंड रन, 10, ये आ गया जी, टू, तो कोई भी गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर देंगे ऐसा, ठीक। अब मैं इसको करता हूं कंपाइल एंड रन, दे देता हूं 10, एंटर मारा तो 10 आ गया, ठीक। तो यहां पे भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा जी, ठीक। फिर यहां पे क्या करेंगे, जिस वेरिएबल्स में हमें इनपुट लेना है उसको क्या करेंगे, यहां एंड के साइन के साथ हमें यहां पे वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा, ठीक, क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है, है। यहां पे भी आप फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख देना, ठीक, चलिए जी, यहां लिखोगे ऐसा तो प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। मान लो दो वैल्यू लेना है तो क्या करेंगे, कॉमा देके एंड लिखेंगे और बी भी लिख देंगे यहां पे, और अब दो वैल्यू लिया तो क्या करूंगा मैं, एंड लिख के डी लिख दूंगा, ठीक। और फिर यहां पे मैं क्या करूंगा, अब इसको डिस्प्ले भी तो करना है, तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, फिर से यहां लिख देंगे परसेंट डी, ठीक, और फिर यहां पे कॉमा देके लिख देंगे बी, ठीक। तो जो ए में जाएगा, जो ए में वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, पहले यहां पे ए लिखा हूं तो पहले वाले परसेंट डी के जगह पे प्रिंट हो जाएगा, दूसरा वाला बी यहां पे मैं लिखा हूं दूसरे बार में तो इस बी का वैल्यू इस परसेंट डी वाले में प्रिंट हो जाएगा, सही है। एग्जीक्यूट, कंपाइल, रन किया, 10 डाला, फिर डाला 20, एंटर मारा, 10 और 20 आ गया, आ गया। स्पेस नहीं है दोनों में, यहां पे मैं ऐसे करके स्पेस दे दूंगा, ठीक, कंपाइल रन करूंगा मैं, ठीक है, 10, 30 आ गया ना। तो आप इस तरह से यूजर से इनपुट लोगे। मान लो मैंने यहां पे कंपाइल करके यहां पे बी लिख दिया, ठीक, तो अब क्या होगा, बी का वैल्यू इस वाले डी पे प्रिंट होगा और ए का वैल्यू इस वाले में प्रिंट होगा। रन करता हूं मैं, कंपाइल रन करता हूं जो है, ठीक है, और यहां पे मैं आऊंगा, ठीक है, ए का वैल्यू, पहले मैं ए का वैल्यू यहां पे डालता हूं क्योंकि यहां पहले ए है ना, तो ए का वैल्यू मैं 10 दिया, ठीक है, स्पेस दे करके भी मैं चाहूं तो 30 दे दूंगा बी का वैल्यू और एंटर मारूंगा, तो पहले 30 आया, क्यों, क्योंकि पहले बी का वैल्यू प्रिंट हुआ, ए में मैंने 10 दिया था तो बाद में 10 आ गया, ठीक।
तो आप इस तरह से लिख दोगे, ठीक। तो कोई भी इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्यों नहीं पूछना? पूछना कंफ्यूजन किसी को कुछ है कि नहीं है? पक्का कुछ नहीं, पक्का कंफ्यूजन नहीं है? हाँ तो रन तो, लेकिन एक्सेप्शन तो था ना, एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते, 32 आ रहा था ना, एक तो जो रट लिया था 32 वही प्रिंट हो रहा था जी, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो 32 क्या है हम लोग पढ़ेंगे तुरंत ही, अब मैं कैसे बता दूँ सब कुछ, ऐसे मुझे आपके सामने करके दिखाना नहीं चाहिए था पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो इसमें नहीं होगा। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, यहां पे मैंने वैल्यू लिया, वैल्यू लेने के बाद यहां पे क्या करूंगा, सी करूंगा इक्वल टू ए प्लस बी करूंगा, ठीक। इसको मैं यहां नहीं लिखूंगा, क्यों? यहां इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि वैल्यू तो मैं यहां लिया हूं ना, तो ये लाइन चलने के बाद मेरा ए और बी में वैल्यू आएगा ना, तो इसलिए इस लाइन के बाद हम यहां पे ये लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे कॉमा सी, ठीक। ऐसे यहां पे एक ठो दे दूंगा मैं, अब कंट्रोल एस से सेव किया, एग्जीक्यूट कर देता हूं, कंपाइल और रन कर देता हूं, 10, 40, 50 आ गया, आ गया। अब इसी को आप चाहो तो यहां पे आ जाओ जी, डॉस तो मेरा खुला ही है, मैं रन करता हूं इसको ए डॉट एक्सी, मेरे से पूछ रहा है 10 डाला, फिर डाला ये, फिर एंटर मारा तो ये आ गया, ठीक। तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुका है मेरा ए डॉट एक्सी, और यहाँ पे दो नंबर डाल रहा हूँ तो जोड़ रहा है ये, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा है? अब इस लाइन में किसी भी तरह का आपको दिक्कत होना तो आप पूछ लीजिए मेरे से, कोई दिक्कत इस लाइन में किसी को कुछ, कोई भी दिक्कत है तो पूछिए, पूछना है नहीं पूछना है जी, कोई भी दिक्कत कुछ तो पूछिए आप। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? चाहे तो आप फोटो फोटो खींच ले मोबाइल से। तो आप लोग प्रैक्टिकल करोगे या और कुछ? चले आगे हम लोग, प्रैक्टिकल कर लो, ठीक। तो कोई दिक्कत किसी को है कि नहीं है? ये जो ये यहां पे है ना, इसको आप रटी लो थोड़ी देर के लिए कि इस तरह से हमको इनपुट लेना है, ठीक। और जोड़ देंगे, प्लस का साइन से जुड़ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन दे दूंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई भी कर देगा जी। ये देख लीजिए, 10 एंटर करा, 10 एंटर करा तो 100 कर दिया, ठीक। तो यहां पे आ गया ये, ठीक है। तो सारे लोगों ने लिख लिया, सभी को समझ में आ गया। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है जरा बताना, यूजर से इनपुट लेता है, ठीक। प्रिंटएफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए जी, सच में दिक्कत नहीं होगा जब इतना बार पूछने पे भी लोग नहीं बता रहे हैं। तो बंद करूंगा, अब बंद कर दो, आपने ये प्रोग्राम लिख लिया, ठीक। चलिए, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। हाँ, यहाँ पे ए और बी को मैं गुणा करना चाह रहा हूं, तो गुणा का चिन्ह मैंने स्टार कंप्यूटर के भाषा में, ठीक। यहां पे कर दूंगा माइनस, तो क्या करेगा, माइनस कर देगा। बड़ा आसान है ना जोड़ घटाव करना, बड़ा आसान है। 10 कर दिया, फिर एंटर मारा, 20 कर दिया, माइनस 10 कर दिया, ठीक। आ नहीं था, 10 किया माइनस, माइनस क्यों डाल रहा हूं मैं, एंटर 10 कर दिया तो 0 आ गया, 10 माइनस 10, ठीक। डिवाइड का चिन्ह लगाऊंगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा जी, 10 एंटर 20 तो आ गया। अब 0 क्यों आया,
इसका कारण है। क्या कारण है? अब ये सब कुछ बता दें। 10 एंटर, फिर से 10 लिखूंगा तो 1 आ गया। ठीक, चलिए जी, तो क्लियर सबको? नहीं है क्लियर? ये देखिए यहाँ पे 32 बिट कंपाइलर है, 64 बिट कंपाइलर है, पता नहीं कितना कितना का है, मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो हो जाएगा। तो आपको सॉफ्टवेयर बनाना आ गया जोड़ घटाव का? आ गया ना? नहीं आया? आना क्या है, ये .exe को रन किया, नंबर दे दिया, ये दे दिया, जुड़ के आ गया जी। मैंने क्या लिखा है भाई इधर? ओ डिवाइड किया है ना, प्लस करूंगा तब ना जुड़ेगा। ये किया, 10 किया, 40 किया, कंपाइल रन तो मैंने किया नहीं ना, कंपाइल नहीं किया ना, कंपाइल सिर्फ कर देता हूँ, कंपाइल करने से काम चल जाएगा अपना। कंपाइल करने से ही तो ये exe नाम का सॉफ्टवेयर बनता है। अब 20 कर दिया, 20 कर दिया, 40 हो गया, हो गया ना। चलिए जी, तो कुछ किसी को पूछना तो है नहीं? है पूछना? चलिए जी, नहीं पूछना है तो आप लोग प्रोग्राम बनाइए, और मैं क्या करता हूँ,